घर टूट घर सरकार ने बोला है कि घर टूटेगा। अच्छा, तो दिक्कत होगी। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? कि घर नहीं टूटे। क्या मैं मोदी जी से और केजरीवाल से निवेदन करता हूँ कि घर नहीं तोड़े। हमारे पेपर चलने वाले हैं और ये घर टूट जाएगा तो हम पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। खाली करो यहाँ से, बुलडोजर का वो दे दिया 15 दिन का हमें आदेश दे दिया कि यहाँ से खाली करो। अब बताओ हम अपने बच्चे लेके सब कहाँ जाएं? बुजुर्ग हैं 60-70 साल के, घर परिवार हैं, जवान बेटियां हैं, प्लस बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पेपर होने वाले हैं बच्चों के, लड़कियों के। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इतनी जवान जवान बेटियों को लेके कहाँ रोड पे आदमी किस कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे लेके, ये बताओ। बेचारी ये भी अपनी 26-27 साल की लड़की है, बिल्कुल विकलांग है और आधा मतलब बिल्कुल दिमाग उसका भी सही नहीं है। झाड़ू पोछा करती हैं बेचारी, यहाँ जितनी हैं सब झाड़ू पोछा करती हैं, सारे मतलब गरीब हैं। जैसे भी अगर पैसे वाले होते तो मतलब अच्छी जगह फ्लैट ना लेते, यहाँ क्यों लेते हम किस्तों में? अगर हमें ये मालूम होता कि कभी ये टूटेगा, हमें मालूम होता तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते। हमें ये सब पता ही नहीं था बिल्कुल भी। 30 साल से यहाँ कॉलोनी बसी हुई तो कैसे पता होगा, ये बताओ। जो भी विधानसभा जब कहाँ गई थी, जब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमने तो कोई चोरी नहीं करी, हमने तो पैसे देके यहाँ पे लिया है, खरीदा है। तो अभी इस समय हम तुगलकाबाद के गांव में मौजूद हैं और वहीं मौजूद हैं जहां हजारों परिवारों को, लाखों परिवारों को नोटिस आया है। नोटिस ये है कि आप भैया अपने खर्चे पर घर खाली कर दीजिए और घर खाली करने के बाद आप कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, इसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाइए, सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में यहाँ के लोगों का सवाल है, सवाल ये है कि जब अपना पैसा लगाकर, अपनी सारी पूंजी जोड़ कर घर बना लिया, तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग कहाँ जाएं, क्या करें? ये सवाल सरकार के मन में ज़रूर आना चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का एक समाधान हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे प्रदीप और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आंटी है, आंटी आप यहीं क्यों? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शायरा। कितने दिनों से रहे यहाँ? 5 साल। 5 साल जी। घर है आपका? हाँ जी। तो क्या समस्या आ रही है, क्या आया नोटिस? समस्या ये है कि हमें तो 5 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, बाकी और लोग भी 25-30 साल से ये कॉलोनी बची हुई है। तो ये कॉलोनी में जब से मतलब और लोग रह रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हम अभी हमें 5 साल हो गए यहाँ पे, तो अब 5 साल के बाद में मतलब हम यहाँ रह रहे हैं तो अब आ रहा है ये नोटिस। तो सरकार की तरफ से ये है, पता नहीं किसकी तरफ से, जब पता नहीं हमें सुनने में आया ये किला है, उसकी जगह है, क्या है क्या नहीं है। तो जब से मतलब हम लोग ये 30 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो जब से यहाँ पे किसी को मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कब जब कहाँ गई थी यहाँ कांग्रेस पार्टी या केजरीवाल या तुम्हारे रमेश भिदुड़ी जो भी हैं बीजेपी से, जो भी विधानसभा जब कहाँ गई थी, जब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं? हमने तो कोई चोरी नहीं करी, हमने तो पैसे देके यहाँ पे लिया है, ख़रीदा है, और हमने तो कोई ऐसी चोरी वोरी नहीं करी है। डीलर के थ्रू लिया है हमने और हमने किस्तों पर लिया है, ठीक है। 8,000 किसी ने 8,000 रुपये गज, किसी ने 7,000 रुपये गज, इस तरीके से लिया है। तो हमें तो डीलर ने ये कहा गया था कि जब फाइनल किस्त हो जाएगी पूरी तो मतलब पेपर बना दिए जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मतलब अब ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, इसको खाली करो। तब ये बताओ, अगर ये सरकारी ज़मीन है तो इतनी सारी यहाँ पे सुविधाएं क्यों दी गई हैं हम लोगों को? यहाँ पानी दिया गया है, दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पानी भी आ रहा है, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पानी है, और यहाँ लाइट भी दे रखी है, और बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल भी बना रखे हैं। तो फिर यहाँ सरकारी अवैध कॉलोनी कैसे हो सकती है? ये सवाल है। अब
अब इतने मतलब इतने सारे यहाँ पे घर हैं हमारे सबके, मतलब हमने कैसे कैसे मैं सिलाई करती हूँ, धागा काटती हूँ एक्सपोर्ट में, और भी यहाँ माता बहना हैं वो सब, ये देखो इनकी लड़की विकलांग है 26-27 साल की है, तो बेचारी ये भी अपनी 26-27 साल की लड़की है, बिल्कुल विकलांग है और आधा मतलब बिल्कुल दिमाग उसका भी सही नहीं है, झाड़ू पोछा करती हैं बेचारी, यहाँ जितनी हैं सब झाड़ू पोछा करती हैं, सारे मतलब गरीब हैं, जैसे भी अगर पैसे वाले होते तो मतलब अच्छी जगह फ्लैट ना लेते, यहाँ क्यों लेते हम किस्तों में, अगर हमें ये मालूम होता कि कभी ये टूटेगा, हमें मालूम होता तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, हमें ये सब पता ही नहीं था बिल्कुल भी, 30 साल से यहाँ कॉलोनी बसी हुई तो कैसे पता होगा ये बताओ। तो बस अब ये है कि अब मतलब खाली करो यहाँ से, बुलडोजर का वो दे दिया 15 दिन का हमें आदेश दे दिया कि यहाँ से खाली करो, अब बताओ हम अपने बच्चे लेके सब कहाँ जाएं, बुजुर्ग हैं 60-70 साल के, घर परिवार हैं, जवान बेटियाँ हैं, प्लस बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पेपर होने वाले हैं बच्चों के, लड़कियों के, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इतनी जवान जवान बेटियों को लेके कहाँ रोड पे आदमी किस कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे लेके, ये बताओ इस तरीके से अचानक से मतलब बोल दिया कि खाली कर दो, कैसे करें खाली बताओ। हम अपनी मांग लेके यहाँ पे भी गए रमेश भिदुड़ी के ऑफिस, तो इन्होंने मतलब जैसा इन्होंने हमें बताया, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जैसा उन्होंने हमें बताया हम वैसा आपको बता रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि शायद मेरा मानना नहीं है ये खैर, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा बताया कि मुझे आप लोगों ने नहीं जिताया तो आप, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो उसके बाद में आपने जिसको जिताया है उसके पास जाओ आप। तो हम केजरीवाल के ऑफिस गए, आईटीयू गए, वहाँ पे हमारे ऊपर मतलब हमारी माता बहना भाई बुजुर्ग जितने हैं सारे, आपके पास वीडियो देखी होगी आपने, तो हम लोगों के ऊपर पानी बरसाया गया ठंड में, हमें मारने की कोशिश की गई वहाँ पे, तो वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, बहरहाल ये है कि यहाँ पे बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे दिया है, तो हम अपने बच्चों को हम और हमारे जितने भी गांववासी हैं हम अपनी जान दे देंगे और हम ये घर खाली नहीं करेंगे, सरकार को हमारा ये मैसेज ज़रूर दे दो आप कि सरकार या तो हमें दूसरा घर दे, मुआवजा दे, और जब तक उसके पास ये इंतज़ाम नहीं है तब तक ये हमारा घर नहीं तोड़ेगा और ना ही हम इस घर से जाएंगे निकल के। ठीक है, आप भी आंटी यही रहते हो? हाँ भाई, मैं यही रहती हूँ। कितने साल हो? मैं तो वैसे तो हो गई मुझे 30 साल हो गई है, बचपन से रह रही हूँ, छोटेपन से। आपने भी घर खरीदा? हाँ, ये हमारा घर। कैसे खरीदा था? वो किस्तों पे लिया हम लोगों ने भी, डीलर के थ्रू। हाँ ठीक है, पैसे भी भरते हम लोग 10,000 रुपये महीने भरते हैं, और ना जैसे किस्त ना दो तो कहते हैं घर से बाहर निकलो हम ताला मारेंगे। तो डीलर से आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि जब सरकार इस पर दावा कर लिए तो आपने बेच कैसे? तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, हमको पता ही नहीं, उन्होंने ज़मीन काटी हमने ली है, और जैसे हम लोग किस्त नहीं दे पाते, हमारे पास पैसे नहीं हो पाते हैं, तो बोलते हैं कि घर से निकलो मैं ताला मारूंगा। अब तो बताओ, हम डर डर के किस्त देते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते, अपने नहीं खाते, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन उनको किस्त देते हैं। हाँ, कैसे भी करके इनको किस्त देते हैं, चाहे हम भूखे सो जाए, हमारे घर में खाना ना बने, उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ, सरकार सरकार क्या कर रही है, आप लोगों की बातें सुन रही है? बताओ, हमारा तो नहीं लगता मुझे सरकार हमारी सुन रही है, हमें तो नहीं लगता। आज सुन रही होती सरकार तो हमारे लिए कुछ करती, हमारी पब्लिक के लिए कुछ करती। अब 15 दिन का ऑर्डर दे दिया है, बिल्डोजर आएगा ये तोड़ देंगे सारे मकान, तो बताओ तोड़ देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास यही उपाय है, अगर बुलडोजर आएगा तो हम तो अपनी जान ही देंगे, उसके नीचे ही लेट जाएंगे, चला दो मार दोगे मार दो, घर टूट जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे, तो बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। आप भी भैया यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 4-5 साल से रहा हूँ जी। मतलब क्या समस्या है यहाँ के लोगों की? समस्या यही है जी कि घर बनाए हैं जी, डीलर लोगों से घर लिए हैं, अब डीलरों को पता नहीं है क्या है नहीं है, यहाँ सिस्टम ये अलग है, और दूसरी बात ये है कि हम यही चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करते हैं, अब जो भी है ये है कि हमारे घर बसना चाहिए यहाँ पे, हम गरीब आदमी हैं और घर लिए हुए हम यहाँ पे, हम भी तो पैसे दिए हुए हैं ना किसी को, बिल्कुल यही चाहते हैं कि हम घर यहाँ बसना चाहिए। डीलर ने पेपर नहीं बनाए?
पेपर नहीं बनाया जी, पैसा ले गया है, उसका पर्ची बनाया हुए वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सरकार को भी दिखा सकते हैं हम। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ घर बसाना चाहिए। आप भी रह रही हो आंटी? मैं भी यही रहती हूँ भाई। क्या दिक्कत? बस हमें सरकार से यही है, हमारे अपना घर वापस कर दो। हम लोग ने बहुत मेहनत से बनाया, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके झूठा बर्तन धोते। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा घर हमें वापस कर दीजिए, और हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से लड़ना है ना कुछ है। बस हमें इतना ही चाहते हैं कि हमें सरकार अपना घर वापस कर दे, क्योंकि 14 दिन का टाइम है, हम लोग कहाँ जाएंगे ठंड में, छोटे छोटे बच्चे हम लोग के पास कहाँ जाएंगे। सरकार को ये सोचना चाहिए ना, कहाँ जाएंगे हम लोग। क्या सरकार इस जगह के बाद, मतलब यहाँ से जब आप लोग खाली करो, तो कुछ ऐसा कह रही है कि दूसरी जगह? ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं मिला ना, इसीलिए हम लोग अभी सब खाली नहीं किया, सब लोग यहीं रुके। जब तक हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा तब तक हम खाली नहीं करेंगे, बस यही है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी? यहाँ हमें लाइट मिला है, पानी मिला है। जब एक घर बसा था तभी लाइट ना देते, पानी नहीं देते, तो खुद ब खुद इतना पब्लिक नहीं बैठते ना। बस यही सुविधा सरकार ने हमें कर दिया। हम लोग ने सोचा दो पैसा कमा रहे तो बना ही लेते, अपना मकान सभी सोचता है, कौन नहीं सोचता है। बस सरकार से यही निवेदन है कि हमारा घर हमें वापस कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। कब खरीदा था, कैसे खरीदा? हो गया, हमें यहाँ 2004 से मैं रह रही हूँ इसी दिल्ली में, इसी पहाड़ी के अंदर। तब से कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं था, पहली बार हुआ ये मेरे सामने, पहली बार हुआ। मैं 2004 की आई हूँ, जब मैं छोटी थी। तो जब नोटिस लगाने आए थे तब आप लोगों ने कुछ बोला? नहीं, क्योंकि फौजी बहुत सारे थे, हम लोग कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैंने देखा है बाहर भी पुलिस था ना? हाँ जी, पुलिस है, अभी भी आता है सुबह शाम। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा जी, मैं केजरीवाल को वोट देता हूँ हर साल, ठीक है। मैं केजरीवाल जी से इतना ही निवेदन करता हूँ कि उन्होंने बोला था कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में जो भी इंसान रहते हैं, जो भी आदमी रहता है, उनके लिए मैं भला करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जो भी कहता हूँ। मैं केजरीवाल से एक ही निवेदन करूंगा कि आप गरीब आदमी को उजारिए मत। मैं इतना निवेदन करूंगा, बस जो घर बसा हुआ है उनको उजारिए मत, कि मेरे को पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय निकालेंगे। तो आंटी, अगर यहाँ पे घर टूटता है तो कैसी परेशानी? अब देखो, सभी समझ सकते हैं कि गरीब इंसान कैसे पेट काट काट कर पैसे जोड़ कर और खरीदी है, बनाई है, टूट जाए तो क्या होया बताओ। सरकारी नौकरी तो है नहीं, कुछ तो है नहीं, बस हाथ पैर की कमाई उसमें लगा दी, कमा कमा कर पेट काट काट कर उसमें सब। अब टूट जाए तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। सरकार को सबको सोचना चाहिए। यहाँ जितने परिवार के लोग हैं सब ने घर खरीदा है? खरीदा है सब ने, किसी का फ्री का कब्जा नहीं है। फिर सरकार इसको क्यों कह रही है कि वही है ना, कि जो जनता यहाँ बस गई उसको उजाड़ रही है सरकार, और जो पहाड़ी के इधर उधर जो जगह बकाया जो बची है उसकी बाउंड्री सरकार खींच दे। उस अभी भी तो बहुत जगह है, किसी का राज नहीं चला या कोई बेचा या नहीं, कोई गरीब इंसान हम जैसे मर रहा है, ऐसे कोई दूसरा मरा है नहीं, बस और क्या है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, बस हमारा घर नहीं टूटा, हम तो कच्चा पक्का जो है बस यही हमें मिला है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबू, आप लोग यहीं रहते हो? आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ में, ओके। कहाँ रहते हैं? आगे। और पढ़ते कहाँ हैं? ये सर्वोदय बाल विद्यालय जीबी ट्रिपल एस। अच्छा, यहीं पे? हाँ। इसी गली के आसपास? नहीं, अच्छा। 12 नंबर में, मतलब इधर ही है ना? ठीक है। आप भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 8। अनीश। कहाँ रहते हो? पिछली गली में। आपके घर में कितने लोग हैं? 6। आपके घर में बाबू? 5। कौन कौन? मम्मी पापा और 2 सिस्टर और मैं। ठीक है, आपको कुछ पता है इधर का? हाँ। क्या? ये घर टूट, घर सरकार ने बोला है कि घर टूटेगा। अच्छा, तो दिक्कत होगी? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? कि घर नहीं टूटे, क्या मैं मोदी जी से और केजरीवाल से निवेदन करता हूँ कि घर नहीं तोड़े, हमारे पेपर चलने वाले हैं, और ये घर टूट जाएगा तो हम पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ बच्चे से लेकर के घर परिवार के लोग तक अपनी बातें रख रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उन्हें ना होए, जैसे इतने सालों तक उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। ऐसे में यहाँ के लोग आरोप भी लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। वो आरोप ये है कि जब ये अवैध कब्जा वाला जगह है तो फिर ऐसी जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी क्यों आती है, इसके अलावा आसपास विद्यालय क्यों मौजूद है, लाइट की सुविधा कैसे उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सरकार को समझनी चाहिए। एक और चीज़ बात ये भी है कि ये सारे लोग बता रहे हैं कि इन्होंने डीलर से ज़मीन खरीदी है, तो जब ज़मीन खरीदी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ पेपर तो होना चाहिए। इसके जवाब में ये लोग कहते हैं कि पेपर की जगह इनके पास पर्चियाँ मौजूद है और सुरक्षित है। पेपर डीलर ने समय पूरा होने के बाद कहा था कि इन्हें मिल जाएगा। अब ऐसे में जिस तरीके की परेशानी आ रही है, निश्चित ही सरकार को सोचने की ज़रूरत है।